हाय गाइस, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लूडो किंगडम के ऊपर। आप भाई को बताता चाहूँ कि आप भाई अगर लूडो किंगडम को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करना चाहते हैं, इसके ऊपर एक अकाउंट बनाना चाहते हैं और इसे यूज करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में सिंपली सिर्फ यही बताने वाला हूँ कि आप भाई लूडो किंगडम को किस तरह यूज कर सकते हैं, अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं और इसके ऊपर एक अकाउंट किस तरह बना सकते हैं। सो गाइस, अगर आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, वीडियो का कोई भी स्टेप मिस ना कीजिएगा। अगर आप वीडियो का स्टेप मिस करेंगे तो आपको बिल्कुल भी समय नहीं लगेगी। तो सो गाइस, जो भाई भी अभी तक चैनल पे नए हैं उसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक जरूर पहुंच सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए। तो सिंपली सबसे पहले तो हमें लूडो किंगडम जो है इसको अपने मोबाइल में इंस्टॉल करना है। उसके लिए आप भाई ने क्या करना है, उसके लिए आप भाई ने अपने मोबाइल का जो प्ले स्टोर एप्लीकेशन है इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद ऊपर ही सर्च बॉक्स पे जाकर लिखना है लूडो किंगडम, तो ये एप्लीकेशन आपको नंबर फर्स्ट पे मिल जाएगी। तो आपने इस एप्लीकेशन को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल कर लेना है। बारी रह जाती है इसके ऊपर अकाउंट किस तरह बनाना है। तो उसके बाद आप भाई ने चले जाना है जहाँ पे लूडो किंगडम इंस्टॉल है, तो आपने उस जगह पे जाने के बाद इसे ओपन कर लेना है। तो मैं इसे ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेरेंस आप भाई को देखने को मिल जाएगा। तो नंबर फर्स्ट पे साइन इन विद फेसबुक जो है वो देखने को मिल रहा है और नीचे प्ले या गेस्ट। तो अगर आप जो है इसके ऊपर एक अकाउंट बनाना चाहते हैं, आपका एक अकाउंट जो परमानेंटली रहे इस लूडो के ऊपर, तो उसके लिए आपको साइन इन विद फेसबुक ही करना पड़ता है। इसके अलावा और कोई भी मेथड नहीं है इस लूडो के ऊपर अकाउंट बनाने के, जैसा कि मुख्तलिफ लूडो में होता है कि आप नंबर के थ्रू भी अकाउंट बना सकते हैं, ट्विटर के थ्रू भी अकाउंट बना सकते हैं, लेकिन इस लूडो पे आप जो है वो सिर्फ फेसबुक के थ्रू ही अकाउंट बना सकते हैं। तो सिंपली सबसे पहले तो आपने अपनी जो फेसबुक है उसके ऊपर अपना अकाउंट लॉगिन कर लेना है। जिन भाइयों का अकाउंट नहीं लॉगिन फेसबुक के ऊपर, तो बताता जाऊँ वो लूडो के ऊपर अकाउंट नहीं बना सकते। मेरा फेसबुक के ऊपर पहले ही एक अकाउंट लॉगिन है मेरे नेम से, तो ये मेरा अकाउंट पहले लॉगिन है, इसी नाम से जो मेरी लूडो है वो बन जाएगी। तो मैं अपनी लूडो किंगडम को ओपन करता हूँ, साइन इन विद फेसबुक वाले आइकन के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो साइन इन विद फेसबुक वाले आइकन के ऊपर क्लिक करता हूँ, अपनी फर्स्ट फेसबुक जो है इसे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये ऑप्शन आपको तब मिलेगा जब आपके मोबाइल के अंदर दो फेसबुक यूज हो रही होगी। तो इधर कुछ लोडिंग होगी, लोडिंग होने के बाद आपका जो अकाउंट है वो खुद ही क्रिएट हो जाएगा। हो सकता है आपको कंटिन्यू विद आपका जो नेम है वो लिखा हुआ आ रहा हो, आपने जस्ट उसके ऊपर क्लिक करना है। तो मेरा जो अकाउंट है वो क्रिएट हो चुका है। तो सो गाइस, बताता जाऊँ मेरा ये जो अकाउंट क्रिएट हुआ है ये पहले एक लूडो के ऊपर क्रिएट किया गया था। उस लूडो का नाम है लूडो कंफर्म, यानी कि लूडो कंफर्म के ऊपर जो आप भाई चेंजिंग करेंगे वही चेंजिंग इधर भी होगी। आप मेरे कहने का मतलब यह है कि लूडो किंगडम और लूडो कंफर्म बिल्कुल एक ही लूडो है, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर आप भाई कोई भी चेंजिंग लूडो किंगडम के ऊपर करेंगे तो लूडो कंफर्म के ऊपर ऑटो पे वो चेंजिंग हो जाएगी इस अकाउंट पे। फर्ज की अगर आप प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करेंगे तो लूडो कन्फर्म के अंदर भी ये प्रोफाइल पिक्चर चेंज हो जाएगी। अगर आप भाई प्रोफाइल नेम को चेंज करेंगे लूडो किंगडम के अंदर भी ये प्रोफाइल पिक्चर ऑटो पे या प्रोफाइल नेम जो है वो ऑटो पे चेंज हो जाएगा। और इसके साथ ही आप भाई उनको इंस्टॉल करने का और उसके ऊपर अकाउंट बनाने का तो पता चल गया होगा। बारी रह जाती है इसे हमने यूज करना है। तो यूज करने के लिए सो गाइस बताता जाऊं, ऊपर फर्स्ट पे आपको लेफ्ट साइड पे आपकी जो प्रोफाइल पिक्चर देखने को मिलती है, आपने इस प्रोफाइल पिक्चर के ऊपर क्लिक करके अगर कोई भी चेंजिंग करनी है तो इधर ग्रीन कलर के अंदर एडिटिंग का ऑप्शन एडिट का ऑप्शन है, आपने उसके ऊपर क्लिक करना है। तो इधर आप कोई भी चेंजिंग कर सकते हैं। और इसके साथ ही आपको राइट साइड पे सेटिंग का आइकन है, आप सेटिंग वाले आइकन के ऊपर क्लिक करके अगर कोई भी सेटिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसका म्यूजिक वाइब्रेशन वगैरह ऑन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, इसका म्यूजिक भी ऑफ कर सकते हैं, इसका साउंड भी ऑफ कर सकते हैं, तो इसको लॉग आउट करना चाहते हैं तो लॉग आउट भी कर सकते हैं। तो इसके बाद अगर आप ऑनलाइन किसी दोस्त के साथ गेम प्ले करना चाहते हैं ऑनलाइन, तो इधर आपको जो है वो ऑनलाइन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। जस्ट आपने ऑनलाइन वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करना है, आपने अपनी गेम सेलेक्ट करनी है, कौन सी गेम करना चाहते हैं, क्लासिक कोई, अगर आप क्लासिक करना चाहते हैं वो कौन सी हो, टू प्लेयर हो, फोर प्लेयर हो, तो आप इनमें से कोई भी गेम सेलेक्ट करके नीचे आपको क्वींस बता दिए जाते हैं, आप कितने क्वींस की जो है वो गेम करना चाहते हैं। आप इसे बढ़ा भी सकते हैं, अगर आप इसे कम करना चाहते हैं तो माइनस वाले आइकन से ऊपर क्लिक करके आप इसे कम करके नीचे ही प्ले का बटन देखने को मिल जाएगा, आपने प्ले कर देना है। आपकी जो गेम है वो लग जाएगी कुछ 9 सेकंड 7 सेकंड जो आपने वेट करना है। देखिए हमारी जो गेम है स्टार्ट हो चुकी है, यानी कि 4 प्लेयर जो देखने को मिल रहे हैं। तो सो गाइस आप भाई पता चल गया होगा कि मैं इस गेम को जो है वो लीव कर देता हूँ, मैंने इस गेम को जो है वो लीव कर दिया है खुद ही, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा था, मैं इसको इतना रखना नहीं चाहता। बाद में इस लूडो पे ऐड भी आ जाते हैं, आप लूडो किंगडम जो है इस पे आप भाई को ऐड भी देखने को मिलते हैं। तो सो गाइस ये थी छोटी सी वीडियो कि आप भाई लूडो किंगडम को अपने मोबाइल के अंदर इंस्टॉल करके उसके ऊपर अकाउंट बना के उसे यूज कैसे कर सकते हैं। सो गाइस, उसके साथ ही चैनल पे आने वाले नए भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि लूडो किंगडम के ऊपर और आने वाली नेक्स्ट वीडियो आप तक लाजमी से पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपने अपना ख्याल रखना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।